गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल के बारे में। मल्टी डायमेंशनल मॉडल क्या होता है? व्यूज डाटा इन द फॉर्म ऑफ डाटा क्यूब, जो कि डाटा क्यूब की फॉर्म में डाटा को व्यू करता है। ठीक है, डाटा क्यूब क्यूब का तो आपको पता है जिसमें 6 एजेस होती हैं। ठीक है, डाटा क्यूब एनेबल्स डाटा टू बी मॉडल्ड एंड व्यूड इन अ मल्टीपल डायमेंशंस। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस में ये मॉडल करता है, मतलब मॉडल बनाता है एक हिसाब से। इसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस होती है और फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, दी डायमेंशंस आर द पर्सपेक्टिव्स और एंटिटीज कंसर्निंग विच एन ऑर्गेनाइजेशन कीप रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, शॉप में हमने सेल्स का डाटा वेयर हाउस बनाना है टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टोर सेल, कितनी सेल हुई। फॉर द डायमेंशन टाइम, टाइम के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कितनी कितनी वहाँ पे स्टोर में सेल्स हुई है। तो दीज डायमेंशंस अलाउ द सेफ टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स। हर एक चीज़ का हमें उसको ट्रैक करना है, मतलब उसका हिसाब रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मंथली सेल्स ऑफ आइटम्स एंड द लोकेशन एट विच आइटम्स आर सोल्ड। ईच डायमेंशन हैज़ अ टेबल रिलेटेड टू इट। हर एक डायमेंशन का अपना अपना टेबल है, टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, हर एक का अपना अपना टेबल है, कॉल्ड डायमेंशनल टेबल। उसको हम कहते हैं डायमेंशनल टेबल। विच डिस्क्राइब्स द डायमेंशंस फर्दर, जो आगे हमें डायमेंशंस डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशनल टेबल फॉर एन आइटम में कंटेन द एट्रीब्यूट्स आइटम नेम, ब्रांड एंड टाइप। अब एक डायमेंशनल टेबल, उसमें तीन आइटम्स हमने फिट की, एट्रीब्यूट का आइटम क्या है, नेम क्या है उसका, वो किस ब्रांड का है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल इज ऑर्गेनाइज अराउंड अ सेंट्रल थीम। ठीक है, एक सेंट्रल थीम के ऊपर बन जाता है। मल्टी डायमेंशनल मॉडल अगर बनाना है, उसके लिए एक सेंट्रल थीम का होना जरूरी है कि हमने किस के ऊपर मॉडल बनाना है। सेल्स के ऊपर, जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन पे बनाना है तो प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे बनाना है तो मार्केटिंग। दिस थीम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टेबल टेबल होंगे इसके बीच में, फैक्ट टेबल जिसमें हमने डाटा स्टोर किया होगा। फैक्ट में न्यूमेरिकल मेजर्स वगैरह हम लगाते हैं कि कितना सेल हुई, कितना, मतलब ये सारे नंबरिंग वगैरह होती है। फैक्ट टेबल कंटेन्स द नेम्स ऑफ फैक्ट्स, उसमें फैक्ट्स का नेम्स होते हैं कि किस किस के किस किस डायमेंशन पे कितनी कितनी, मतलब क्या क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, जैसे डाटा ऑफ अ शॉप फॉर आइटम सोल्ड पर क्वार्टर इन द सिटी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में जैसे एग्जांपल दिया है, द डाटा शोन इन द टेबल। अब टेबल में शो किया है कि पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या है, टाइम आईडी, किस टाइम पीरियड में, एक मंथ में, टू मंथ में। ठीक है, लोकेशन आईडी, कौन 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 सी लोकेशन है, मतलब कोई मोहल्ले का आईडी होगी वो हमने स्टोर कर दी यहाँ पे। सेल्स कितनी हुई है, 25 लाख हुई है, 8 लाख हुई है, ये उसकी सेल दी हुई। अब हमने इन सभी फैक्ट्स को एक मॉडल में रिप्रेजेंट करना है, तो हम मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डाल दी, यहाँ पे टाइम आईडी डाल दी, यहाँ पे लोकेशन आईडी होगी। ठीक है, सेल्स होगी, पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे सभी का एक ही मॉडल में हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D है ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सबकी मेजरमेंट अलग होगी, जैसे कुछ रुपीज़ वगैरह 1000 में होंगे, जो नंबरिंग है सिंपल वो तो नंबरिंग में होगी। ठीक है, उसकी भी अपनी एक डायमेंशन होती है। नाउ इफ़ वी वांट टू व्यू द सेल्स डाटा विथ थर्ड डायमेंशन, अब हमें थर्ड डायमेंशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज द डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड आइटम एज वेल एज द लोकेशन इज कंसिडर्ड फॉर द सिटीज़। अब हमें सिटीज़ भी अलग अलग चाहिए। ठीक है, पहले दिल्ली थी, अब हमें चेन्नई चाहिए, कलकत्ता चाहिए, मुंबई भी चाहिए, दिल्ली भी चाहिए। दीज थ्री डायमेंशनल डाटा शोन इन टेबल। अब यहाँ पे सारा टेबल में डिस्क्राइब किया, चेन्नई का, कलकत्ता का, मुंबई का, दिल्ली का। अब इसको भी डाटा क्यूब में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस फॉर्म में करेंगे। ये है लोकेशन ऑफ सिटीज़, ये है टाइम क्वार्टर्स, ये है जो भी हमने प्रोडक्ट किया है, यहाँ पे सेल हो जाएगी। तो हमने सबको 3D क्यूब में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू।